Good morning to all of you. In the previous class, we studied about PPC and what to produce. और उसी में एक हम लोग दो एक टॉपिक देखे थे पोटेंशियल एंड एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट. अभी हम लोग एक टॉपिक को देखेंगे, वो टॉपिक है हमारा पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस. हम लोगों ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा था और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारा तीन था. पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस, ये हमारा पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम था जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया. दूसरा है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक्स. चॉइस ऑफ टेक्निक्स कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां पर हमें टेक्निक चॉइस करना पड़ता है. टेक्निक चॉइस कहने का मतलब है इन हाउ टू प्रोड्यूस वी हैव टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. पहला हमारा है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा हमारा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज द टेक्निक इन विच लेबर इज गिवेन मोर इंपॉर्टेंस देन कैपिटल. इट मीन्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस वी यूज लेबर. लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हमारा एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम कैपिटल के कंपैरिजन में लेबर का ज्यादा यूज करते हैं. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था. दिस इज अ टेक्निक इन विच कैपिटल इज गिवेन मोर प्रायोरिटी देन लेबर. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हमारा वो टेक्निक है जिसमें हम कैपिटल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लेबर के कंपैरिजन में. तो दिस ये इकॉनमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है वेदर द इकॉनमी ऑफ लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव. हम डिफरेंट इकोनॉमिक लेवल पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का स्टडी कर सकते. देखो भाई, हम लोगों ने अगर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो एक होता है अनडेवलप्ड, एक होता है डेवलप्ड और एक होता है हमारा डेवलपिंग. और तीनों इकोनॉमी का, सब लोग को आवाज आ रहा है क्या? हेलो. देखिए भाई, डेवलप्ड कंट्री होते हैं जो डेवलप नहीं किया होता है दे आर नोन एज आल्सो थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया. कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे गरीब कंट्रीज हैं जो अभी तक विकास के पैमाने में आए ही नहीं, उन्हें डेवलपमेंट मालूम ही नहीं है, उन्हें टेक्नोलॉजी मालूम ही नहीं. एक हमारा डेवलप्ड कंट्रीज है एज फॉर एग्जाम्पल यूएसए, ब्राजील, रशिया, चाइना, ये इकोनॉमी है जो डेवलप्ड इकोनॉमी. यहां पर जो इनका इकोनॉमिक लेवल है वो बहुत हाई है. डेवलप्ड कहने का मतलब है कि इनका जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है वो बहुत हाई लेवल का है. और डेवलपिंग कंट्री का बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं विच आर डेवलपिंग कंट्री. हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हर एक लेवल से हमें देखना होगा. कहेंगे कि सर ये तो बुक में दिया ही नहीं है, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड. मैं इसलिए आपको बता रहा हूं
क्योंकि ये इकोनॉमी का यहां कहीं ना कहीं से रिलेशन है। कैसे है थोड़ा वो देखिए, जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन नहीं होता है, बिकॉज देयर ऐसा नहीं कि वहां पर नहीं क्रिएट हो सकता है, लेकिन वहां पर वहां का टेक्नोलॉजी इतना अपग्रेड होता है, वहां का इकोनॉमी इतना स्ट्रांग होता है कि एवरीवन हैव अ हायर परचेसिंग कैपेसिटी, उनका पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा होता है और वो टेक्नोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग होते। लेकिन जब हम कंट्री लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज का बात करें, तो वहां पर एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा सिचुएशन, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। और अनडेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करें, जो डेवलप्ड है ही नहीं, वहां पर टेक्नोलॉजी का बात करना ही बेवकूफी, बिकॉज दे डू नॉट मेट विथ अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ दिस वर्ल्ड। एक बार अनडेवलप्ड, डेवलप और डेवलपिंग को थोड़ा सा देखिए, तो एक मिनट, ये बीस बीस में आवाज कहां से आ रहा है सर? हमारा इकोनॉमी, हमने आपको बताया अनडेवलप्ड, डेवलप और डेवलपिंग, इन सारे इकोनॉमी का अलग अलग अपना प्रॉब्लम। अगर हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज किया जाएगा। हाउ टू प्रोड्यूस को मैंने बहुत अच्छे से पिछले क्लास में डिस्क्राइब कर चुका हूं मैं। दे यूज एक्स वाई जीरो। अगर हमारा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी हम इंप्लीमेंट करते हैं तो प्रोडक्शन हमारा ए और बी होता है। इट मीन्स ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है जो पुराना टेक्नोलॉजी है हमारा, अगर हम उस टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन प्रोसेस में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा पीपीसी यहां वर्क कर रहा है, हमारा प्रोडक्शन का लेबल है ए और बी। अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा और पीपीसी फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अब हमारा प्रोडक्शन होने लगेगा ए वन एंड बी वन, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी यूजेस फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हम एक नई तकनीक यूज करेंगे, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटीज का भी सीड्स हम लोग आज के डेट में यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन फार्मिंग का इंक्रीज कर गया। हाई यील्डिंग वैरायटीज, पहले जो हम पेस्टिसाइड का यूज करते थे वो उतने, उनका क्वालिटी उतना बेटर नहीं था, बट नाउ वी आर यूजिंग द बेस्ट क्वालिटी पेस्टिसाइड्स। जो मेथड ऑफ फार्मिंग है वो भी अब चेंज कर चुका है, जो हमारा प्रीवियस मेथड ऑफ फार्मिंग है उससे अब जो नया मेथड ऑफ फार्मिंग है वो अलग है। नाउ अब हम कम रिसोर्सेज में ही अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो आफ्टर यूज, बिफोर यूजिंग लेबर इंटेंसिव इंटेंसिव टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी, आवर पीपीसी इज वर्किंग हियर, हमारा पीपीसी यहां वर्क कर रहा था, लेकिन जब हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया तो हमारा पीपीसी फॉरवर्ड मूव कर गया। तो हम यहां लिखेंगे इसको प्रोडक्शन इन फार्मिंग व्हेन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, कह सकते हैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी और लेबर इंटेंसिव इंटेंसिव टेक्निक्स इज इंप्लीमेंटेड। जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का उपयोग कर यूज कर रहे हैं तो हमारा पीपीसी ए और बी पॉइंट पे वर्क कर रहा है। जब हमने टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन कर दिया तो हमारा पीपीसी फॉरवर्ड शिफ्ट कर गया, एंड इन दिस सेक्शन फॉर द प्रोडक्शन
वी यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज किया हमने तो हमारा पीपीसी फॉरवर्ड वर्क करने लग गया। एक बार जरा देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं स्लाइड पे, देखते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। स्लाइड्स पे देखते हैं इसी को। ओके, स्लाइड्स पे देखते हैं तो हमारा पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में वी हैव अ टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव एंड सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑल्सो नोन एज कॉन्वेंशनल टेक्निक्स, बिकॉज परंपरागत इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज वी आर यूजिंग दिस टेक्निक्स फॉर अ फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड। हमारे जो एंसेंट से, हमारे जो पूर्वज से, वो भी इस टेक्निक्स का यूज कर रहे थे, दैट्स व्हाई दिस टेक्निक्स इज नोन एज कॉन्वेंशनल टेक्नोलॉजी और कॉन्वेंशनल टेक्निक्स। देखिए, जब आप स्लाइड्स पे देख रहे हैं फिगर को, तो आप एक कॉन्वेंशनल टेक्नोलॉजी लिखा है। जब इकोनॉमी में कॉन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो हमारा प्रोडक्शन पीपीसी ए और बी पे वर्क कर रहा है। प्रोडक्शन का लेबल है ए और बी। जब इकोनॉमी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया गया, आज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए नाउअडेज गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट बोल रही है कि जो हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हैं, आप उसको लेफ्ट आउट करिए और न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन को आप इंप्लीमेंट कीजिए। तो हम अभी फिगर में देख रहे हैं कि जब हम कॉन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, यानी कि हल, नाउ इन अ न्यू टेक्निक्स वी आर यूजिंग अ ट्रैक्टर। पहले खेत जोतने के लिए हम लोग हल का यूज क्या करते थे, अब हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रैक्टर का। HYB सीड्स का यूज किया जा रहा है। तो डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज का हमारा फार्मिंग में यूज हो रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जब हम यूज कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन का लेबल है वो पीपीसी पे इंक्रीज दिखा रहा है। इट मींस आफ्टर यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आफ्टर यूजिंग द न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, पीपीसी शिफ्टेड टू द पॉइंट A1 एंड B1। पीपीसी हमारा फॉरवर्ड मूव कर गया A1 और B1, जो ये शो करता है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन का जो लेबल है वो क्या क्या है, इंक्रीज कर गया है। सो दिस इज द टॉपिक, दिस इज द वे यू कैन डील पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। एक साइड थोड़ा पीछे आते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन दिखाता हूं। बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीरियस इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी फेसिंग अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन कॉन्वेंशनल टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इकोनॉमी हैव टू फेस वेदर ही इज, अब मैं एक बात करता हूं, इन अ कंट्री लाइक इंडिया दिस प्रॉब्लम बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज इफ इकोनॉमी इंप्लीमेंट ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी then the cost of production, time taking process, it is cost of production bhi increase kar jayega agar hum labor intensive technology ko use karte hain to, but agar hum capital intensive technology ko hi sirf use karte hain to aise case mein kya hoga ki hamare yahan ka jo population hai wo bahut zyada unemployed ho jayenge, aur unemployed hone ke karan kya hoga, hamare desh mein aise bhi एक बहुत बड़ा समस्या है बेरोजगारी, और बड़ी समस्या बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और कहा जाता है कि डेवलपमेंट बिकॉज विदाउट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इज डू नॉट हैव एनी मींस। ऐसी विकास जो बिना लोगों को रोजगार दिए हुए विकास करे, वैसे विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अभी बिहार में सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, बात बिहार की, बहुत अच्छा वो मैं उनको लीडर नहीं कहूंगा, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, प्रशांत किशोर, ही इज ऑल्सो द
वाइस चेयरपर्सन ऑफ जदयू, नाउ ही लेफ्ट द पार्टी, अब वो पार्टी को छोड़ चुके हैं और वो उनका एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है आईपैक, जो पॉलिटिकल पार्टीज का एडवर्टाइजमेंट करती है। बात बिहार की, उन्होंने कहा कि विकास की बात होती है बिहार में, बिहार में विकास है कहां, सड़क बन रहे हैं लेकिन लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो कार खरीद सके, वो गाड़ी खरीद सके। हम लोग पटना में रहते हैं इसलिए ट्रैफिक इतना दिखाई देता है, और आप अदर सिटी में चल जाइए, थोड़ा सा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चल जाइए, पूरा सड़क सुनसान पड़ा है, वहां पे गाड़ी चल नहीं रही सड़क पे। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, लेकिन फ्लाईओवर पे चलने के लिए लोगों के पास कार नहीं है, बाइक नहीं है। जो रेशियो है कंपैरिजन टू द अदर सिटी, अदर स्टेट, हमारे यहाँ जो व्हीकल्स ऑनर्स हैं वो अदर स्टेट के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो क्यों नहीं है लोगों के पास कार, क्यों नहीं है लोगों के पास ऑटो बाइसाइकिल? बिकॉज दे हैव नॉट द परचेजिंग कैपेसिटी। परचेजिंग कैपेसिटी क्यों नहीं है? विकास तो हो रहा है लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी अभी बेरोजगार दिवस मनाया गया कल, बिकॉज ये विकास किसी काम का ही नहीं है जो लोगों को बिना रोजगार दिए हुए। जब हम बात करते हैं भारत जैसे देश की, जहां पर जनसंख्या 130 करोड़ का है, और वहां पर एक सबसे बड़ी समस्या है, वी आर नॉट एक्सपर्ट इन द टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, हमारे पास बस एक चीज है, वो है ह्यूमन रिसोर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर अपने इकोनॉमी को डेवलप्ड में चेंज करना है तो ह्यूमन रिसोर्स को कहीं ना कहीं चेंज करना होगा। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया तभी हो सकता है जब स्किल्ड इंडिया हो, जब लिटरेट इंडिया हो। आप वैसे देश में कहां बात कर रहे हो डिजिटल इंडिया की, जहां पर हमारा लिटरेसी रेट 60% है, 40% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट, 40% लोग अनपढ़ हैं। आप कहां से डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हो? हाउ दे हैंडल द मोबाइल फोन, हाउ दे हैंडल द लैपटॉप और कंप्यूटर? डिजिटल इंडिया को कैसे आप प्रमोट कर सकते हो विदाउट स्किल इंडिया और लिटरेट इंडिया? तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स को कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया का स्टार्टिंग किया। स्किल इंडिया कि हम लोगों को एक कला देंगे, एक स्किल देंगे, वो उनमें एक स्किल रहेगा तो वो खुद का अपना रोजगार कर सकते हैं, उसके बाद हम उनको लोन देंगे, मुद्रा लोन, शिशु लोन, बहुत सारे टाइप का लोन का, और लोन को गवर्नमेंट का एक प्लान था कि आफ्टर गिविंग अ स्किल टू द पर्सन हम उनको व्यवसाय करने के लिए रोजगार देंगे, बट द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट टेक इट सीरियसली एंड इन द पॉजिटिव वे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है, मैं इसलिए इस टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा था कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री लाइक इंडिया, गवर्नमेंट हैव टू एस्टेब्लिश द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। इफ वी टोटली डिपेंडेंट ऑन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, देन लॉट्स ऑफ द पॉपुलेशन गेट अनएम्प्लॉयड। ऐसे केस में होगा क्या? लोग बेरोजगार हो जाएंगे, विकास किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो यहां पर सबसे बड़ी चुनौती फिर बन जाएगी बेरोजगारी। अगर इफ द गवर्नमेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, तो हम लोग फिर थर्ड वर्ल्ड में चले जाएंगे, तीसरी दुनिया में, जहां पर टेक्नोलॉजी कोई यूज ही नहीं है। सो इन द कंट्री लाइक डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया, नेपाल, ये सारे जो ऐसे कंट्रीज हैं, देश हैं, दे हैव टू एस्टेब्लिश द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स एंड द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। इसीलिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाते हैं। आप बैंक में भी जाएंगे तो वहां वर्कर भी हैं और कंप्यूटर से भी वर्क हो रहा है। तो सरकार को कहीं नहीं एटीएम लगा है, लेकिन तब पर भी बैंक में एक लंबा लाइन रहता है, सोचिए इसका क्या कारण है। अप टू डेट मशीन लगा है, लेकिन तब पर भी अप टू डेट कराने के लिए एक लंबा लाइन लग जाता है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू अप टू डेट माय पासबुक विद दिस डिजिटल मशीन्स। देन व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी? सो इन द कंट्री, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, वेयर द इलिटरेसी रेट इज अबाउट टू 40%, देन हाउ यू टॉक अबाउट द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स? So, government has to establish the coordination
बिटवीन लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। अगर जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को हम सिर्फ अगर पीपीसी से हम इसको रिलेशन एस्टेब्लिश करें, अगर हम सिर्फ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो हमारा पीपीसी पीछे वर्क करेगा, और जैसे ही हम न्यू टेक्नोलॉजी मशीनरी से यूज करना शुरू करेंगे, आप लोग सिंपली कह सकते हो कि हाथ से कोई काम होता है थोड़ा लेट लगता है, कॉस्ट उसका बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम मशीनरी से उसका यूज करेंगे हमारा पीपीसी फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। दिस इज योर प्रॉब्लम पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। एक बार देख लीजिए, पीपीसी एंड होम टू प्रोड्यूस, दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, पीपीसी एंड होम टू प्रोड्यूस। पढ़ चुके हैं